हेलो दोस्तों, स्वच्छ गृहिणी की में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रेड वेलवेट केक, तो यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कंटेनर, इसमें डालेंगे एक कटोरी दूध पाउडर, एक कटोरी डालेंगे चीनी पाउडर, एक कटोरी रिफाइंड ऑयल, आप इसके जगह बटर भी डाल सकते हैं। ये सभी को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा हम इसी कटोरी से दो कटोरी डालेंगे। दो कटोरी हमने मैदा डाला है तो दो चम्मच ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब ये सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध देखिए हमने एक कटोरी लिया है। धीरे धीरे दूध डालकर मिक्स करेंगे। घोल हमारा देखिए इतना गाढ़ा है। अब इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। इसके जगह आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे रेड कलर। एक हमने रेड वेलवेट बनाना है केक, तो रेड कलर इसमें डालेंगे। घोल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम गैस पर कुकर को फ्री होने के लिए छोड़ेंगे। अब गैस पर कुकर बैठाएंगे। इसमें डालेंगे वाइट नमक एक कटोरी। इसके अंदर रखेंगे कोई भी स्टैंड, आप इसके लिए आप कटोरी भी रख सकते हैं। कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। ढक्कन से हमने सीटी को निकाल लिया है। अब गैस को ऑन कर देते हैं और धीमी आंच पर इसको हम फ्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे एक कटोरी, इसमें डालेंगे अल्मुनिया शीट। थोड़ा सा डालेंगे तेल ताकि हमारा केक आसानी से बाहर निकल जाए। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे सभी जगह पर। इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे। अब इसमें हम बैटर को डालेंगे। अब इसे हम कुकर में डाल देते हैं। तो कर देंगे बंद और इसे हम 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। टूथपिक की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे। टूथपिक हमारा क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्ट बन गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देते हैं। चाकू की मदद से हम साइडर में थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए केक हमारा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसको ऊपर का लेयर को हम काट के निकाल लेंगे। इसको हम बीच से काट कर दो भाग में कर लेंगे। चाकू से पहले हम बीच में दाग लगा लेंगे। धागा की मदद से हम इसको दो भाग में कट कर लेंगे। इसको बीच से लगाएंगे।
देखिए हमारा दो लेयर में कट कर रेडी हो गया है। अब इसको हम दूसरे प्लेट में रख देंगे। चीनी और पानी मिलाकर हमने एक सिरप तैयार किया है, इसको हम केक ऊपर में डालेंगे। इसी तरह दूसरे वाले में भी हम सिरप लगा लेंगे। दोनों में हमने सिरप लगाकर रेडी कर लिया है। दोस्तों अब हम लेंगे व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम आप हमारे चैनल डिलीशियस डिलाइटफुल पर जाकर देख सकते हैं, या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसका रेसिपी देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से केक के ऊपर में डालेंगे। इसको हमने अच्छे से फैला दिया है। इसको ऊपर डालेंगे दूसरा वाला। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और हम डालेंगे सिरप। ऊपर से लगाएंगे व्हिप्ड क्रीम। इसको हम अच्छे से फैलाकर हर एक तरफ से कवर कर देंगे। व्हिप क्रीम से हमने अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड कलर, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कलर हमारा अब इसको पाइपिंग में डालेंगे। गिलास में हमने पाइपिंग बैग रख दिया है। अब इसमें हम अच्छे से क्रीम को डाल देंगे। अब हम लेंगे केक जिसको हमने कट करके निकाल कर रखा था, इसको हम बारीक चूर कर लेंगे। इसे हम केक के साइड में नीचे लगाएंगे। बीच में बीच को डालेंगे। इसको ऊपर डालेंगे सिल्वर बॉल। दोस्तों केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आइए हम इसको कट करके दिखाते हैं। आप घर पर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।